और यही एक्चुअल रियलिटी में समझने वाली बात है कि अगर आपका मैनेजर गंदा है, जिसको प्रोसेस की समझ नहीं है, वो नीचे वाली सारी टीम को खराब कर दे। और अगर आपका मैनेजर अच्छा है और उसको प्रोसेस की समझ है, तो वो नीचे वाली टीम को ऑर्गेनाइज कर दे। और एट द एंड क्या होगा, फायदा क्या, सोचने वाली बात है। दो अलग अलग चीजें। नंबर वन, अगर हम कैटेगोरिकली बताएं, अ गुड मैनेजर इज वन, मैनेजर क्या है, मैनेजर की क्वालिटी क्या है, कि क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। किसकी, मैनेजर की नहीं, जो प्रोडक्ट वो बना रहा है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर टू क्या है, कॉस्ट कम होनी चाहिए। नंबर टू क्या है, यानी कि क्वालिटी अच्छी हो लेकिन खर्चा मर्चा कम हो। और नंबर थ्री क्या है, लॉसेस कम होने चाहिए। समझ लग रही बात, कि भाई ये ना हो गया बहुत ज्यादा वेस्ट हो गए। समझ लगे, चावल की कभी फैक्ट्री देखी, कभी देखिए चावल जैसे कारखाना कहते हैं, कभी देखिए चावल जो होता है ना, लेट्स सपोज ये चावल का एक बीज है, इसके ऊपर पूरा एक कवर पड़ा है, पूरा एक कवर होता है। जब आप चावल को पकड़ते हो ना, तो वो एक्चुअली कवर में पैक हुआ हुआ चावल है। अब आपने मशीन के अंदर डालना है जो उस कवर को उतार दे और बीच में से चावल निकाल। ये उस मशीन का काम है जिसको हम कारखाना कहते हैं। अब उसका प्रोसेस क्या है, वो सबसे पहले कवर उतारती है। अब कवर उतारने में कुछ चावल भी टूट जाता है। अब जब कवर उतर गया, अब जो सफेद चावल है वो अलग हो गया और जो कवर है वो अलग हो गया। अब कवर के दो हिस्से बने, एक तो कवर का छिलका बना वो अलग हो गया, एक कवर का पाउडर बन गया वो अलग हो गया। अब चावल बाहर निकला, अब चावल में दो है, एक चावल पूरा है और एक चावल टूटा हुआ है। अब मशीन जो है ना, टूटे चावल को अलग करती है और जुड़े चावल को अलग कर देती। अब वो जो जुड़ा चावल है ना, उसके ऊपर एक हल्की सी रगड़ लगाती है कि वो पॉलिश हो जाए, यानी कि वो चिट्टा नजर आए। अदरवाइज उस पर अगर वो रगड़ नहीं लगाएगी ना, तो वो जो शुरू में ब्राउन कलर का उसके ऊपर छिलका है ना, वो छिलका उस चावल को भी ब्राउन कर देगा और एट द एंड वो ब्राउन चावल गंदा लगेगा। तो वो हल्की सी उस पर पॉलिश करती है, और पॉलिश का मतलब ये नहीं है कि उसमें कलर लगा दी, पॉलिश का मतलब ये है कि उसको हल्की सी को देना मैं उसको रगड़ती है, ताकि उसके ऊपर से जो ब्राउनिश शक्ल है ना वो उतर दे। अब आउटपुट उस मशीन की क्या होगी, एक वो छिलका जो सबसे पहले उतरा, एक छिलके का पाउडर, दूसरा एक वो चावल का पाउडर जो पॉलिश के प्रोसेस में उतरा, और एक चावल टूटा रहा और एक चावल सुथरा। एक्चुअल क्या होना चाहिए, एक्चुअल प्रोडक्शन क्या होनी चाहिए, कि सबसे ज्यादा आपका चावल वजन में बाहर निकलना चाहिए। और गंदा मैनेजर क्या होगा, कि वो पाउडर ज्यादा निकल आएगा। गंदा मैनेजर क्या होगा, उस टूटे हुए चावल को ज्यादा निकालेगा। सही है ना, गंदा मैनेजर क्या होगा, वो उस मशीन की सेटिंग को खराब कर देगा। वही मशीन सही चावल निकाल दी और वही मशीन काला। अब मैं फिर दोबारा प्रोडक्शन के हिसाब से एक और एग्जांपल देता हूँ, दैट वुड कंक्लूड अवर लेक्चर, लेकिन फिर उसके बाद हम आगे चले जाएंगे। बादाम बड़े बेहतरीन। अच्छा, बादाम नस्ल वाइज दो होते, क्वालिटी वाइज नहीं बात कर रहा, नस्ल वाइज बात कर रहा, दो होते। एक को कहते हैं कड़वा बादाम और एक को कहते हैं मीठा बादाम, बस इसके अलावा नहीं होता। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा बादाम जो प्रोड्यूसर है वो अमेरिका में प्रोड्यूसर, दुनिया में। एक बादाम का ट्रक नॉर्मली सोना ट्रकों में नहीं आता, लेकिन बादाम ट्रकों में आते हैं। एक बादाम का ट्रक मिलियंस ऑफ डॉलर का, यानी कि इतना महंगा होता है, क्योंकि प्रोडक्ट है, किलोओं के हिसाब से बिकना है और एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अच्छा, बादाम की क्वालिटी क्या है, कि आप कोई बादाम खा रहे हो तो ये ना हो कि आपके खाते खाते में कोई कड़वा बादाम आ जाए। ये बादाम की क्वालिटी होनी चाहिए, यानी कि आपकी जो फूड यील्ड है उसके अंदर कड़वा बादाम नहीं होना चाहिए। अब इन शॉर्ट आप समझ लो कि आपने एक प्रोडक्ट बनाई, उसमें आपने 100 प्रोडक्ट बनाई, उसमें से एक प्रोडक्ट खराब है। इसका मतलब आपकी 99% एफिशिएंसी है, 100 में से 99 प्रोडक्ट सही है, एक प्रोडक्ट खराब है। यानी कि आप 100 बादाम खाओगे तो एक बादाम खराब निकले। समझ लग रही बात, इसका मतलब 100 बादाम खाओगे तो एक बादाम कड़वा निकलेगा। कभी आपने इमेजिन किया, खाया तो होगा जिंदगी में, कड़वा बादाम खाया कितना मजे का लगता, इतनी उलझन होती है, सारे बाकी सारे बादाम साइड पे वो कड़वा बादाम चुभ जाता है, बड़ा अजीब सा लगता है, थूकते हुए एक आराम से बात है। कभी देखो खीरा कड़वा खाया हो, तड़कर भी खाई कड़वा, बड़ा उलझन। अब बोलता है कड़वा बादाम बेहतरीन मेडिसिन है। दुनिया के अंदर ना कैंसर बड़ी स्पीड से बढ़ रहा है। जी कैंसर हो गया, कैंसर का इलाज क्या है? कैंसर का इलाज क्या है, वो कहते हैं दो हल है, एक है कैंसर हो गया, एक है कैंसर नहीं हुआ, लेकिन आपने प्रिकॉशनरी मेजरमेंट करना है।
एक किताब है वर्ल्ड विदाउट कैंसर, वो वर्ल्ड विदाउट कैंसर के अंदर वो क्लेम करता है, जो भी डॉक्टर है जिसने लिखा है, उसने कहा विटामिन बी 16 जो है ना, अगर आपकी बॉडी में डेफिशिएंट हो जाए ना तो आपको कैंसर हो जाएगा। अगर आपकी बॉडी में विटामिन बी 16 हो तो आपको आपको कैंसर नहीं होगा। अच्छा सवाल हुआ कि विटामिन बी 16 होता किसमें, तो पता क्या चला, जो खुबानी है ना, खुबानी, उस खुबानी के अंदर वाला जो विटामिन है ना, उसके अंदर विटामिन बी 16 है। और बड़ा किसमें है विटामिन बी 16, कड़वे बादाम। और किसमें, कड़वे बादाम में, वो कड़वा बादाम जो हमें जहर लगता है, तो क्या वो विटामिन बी 16 है। अब ये बात समझने के लिए कि भाई जो बादाम की फैक्ट्री है वो कैसे डिजाइन होगी, चावल की फैक्ट्री तो मैंने आपको बताई, बादाम की फैक्ट्री कैसे, सबसे पहले क्या होगा, बादाम के ऊपर से छिलका टूटा, बादाम बाहर निकला, अब वो बादाम बाहर निकला, अब बादाम का छिलका टूटा, बादाम बाहर निकला, उसमें दो है, एक बादाम का क्रश बन गया होगा, यानी कि छिलका टूटने में बादाम खुद भी टूट गया, और एक है बादाम बाहर निकला है, यानी कि जो क्रश निकला वो तो एक वेस्ट प्रोडक्ट है। अब बादाम पूरा बाहर निकल रहा है लेकिन उसमें एक कड़वा भी है, यानी कि 100 बादामों में एक कड़वा बादाम भी बीच में ही खंड कोई पड़ा। अब मशीन क्या कर रही है, मशीन सेंस कर रही है कौन सा कड़वा बादाम, और वो कड़वे बादाम को अलग निकाल ली और बेहतरीन बादाम को बाहर निकाल। ये आप सोचने वाली बात है ना, प्रोडक्शन कैसे हो रही है कि बादाम छिलके वाला अंदर जा रहा है, वो क्रश हो रहा है, छिलका बाहर आ रहा, फिर उसमें से देखा जो बादाम टूट गया वो अलग बाहर आ गया, जो बादाम आगे गया उसमें से देखा कड़वा बादाम है वो बाहर आया, और फिर बादाम आपको पास आया। बेसिक प्रोसेस है, और कुछ भी आप जिस तरह कोई और फैक्ट्री की बात कर लो, कोई जनरल फैक्ट्री, फॉर एग्जाम्पल बनानास की फैक्ट्री है, या मैंगोज की फैक्ट्री है, या ऑरेंजेस की फैक्ट्री है, ऐसी फैक्ट्रियां जो एक्सपोर्ट करती है, ऑरेंजेस की वो फैक्ट्रियां जो एक्सपोर्ट करती है, वो ऑरेंजेस रखते हैं मशीन खड़ी में, जो खराब ऑरेंज होता है उसको साइड पे कर देती है और सही ऑरेंज को आगे जाना। ये पानी की फैक्ट्री है ना, ये पानी की बोतल जा रही है, मशीन लगी होगी कि जिसमें पानी कम है, स्टिकर नहीं लगा हुआ, तो मशीन ही उठा के उसको साइड पे कर देगी, बाकी बोतलें साइड पे, यानी कि वो जो रोटन एग है, वो जो खराब मटेरियल है, वो मशीन सेंस करके बाहर निकाल। अगर वो खराब मटेरियल कंज्यूमर के पास चला गया तो कंज्यूमर कभी भी वो प्रोडक्ट नहीं लेगा।